हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब की जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी रही होगी। इस जन्माष्टमी पर हमारे कान्हा जी ने हमसे कैसा श्रृंगार करवाया है वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने उनके पुराने वस्त्र को निकालकर साफ कॉटन के कपड़े से पानी की हेल्प से उनको सिर्फ पोंछ दिया है। मैं विग्रह को ज़्यादातर नहलाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग उतर जाने का बहुत डर रहता है, इसीलिए तो यहाँ पर मैंने उनको उनकी चोली पहना दी है। ये फुल स्लीव वाली चोली बनाई है मैंने, और यहाँ पर इनको हम पजामी पहनाएंगे। पजामी में मैंने वेलक्रो लगाया, तो आइए इनको हम पजामी पहना देते हैं। वेलक्रो की हेल्प से क्या होता है कि अगर कान्हा जी की कमर शायद हमसे कुछ इधर उधर ज़्यादा या बड़ी हो गई हो तो उसको हम अच्छे से एडजस्ट कर सके। मैं जो ये ड्रेस का जो मेकिंग है वीडियो है वो भी मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पजामी की आप फिटिंग देख सकते हो, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पर उनको हम उनकी लॉन्ग वाली जो कमर कांचली है वो भी धारण करवा देते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस में जो कमर कांचली है उसमें मैंने अंदर का जो कॉटन इनर आता है वो मैंने नहीं डाला है, बिकॉज़ ये पहले से ही बहुत हैवी कपड़ा था। इसके पीछे बुकरम ऑलरेडी लगा हुआ था, तो आप फ्लेयर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा फ्लेयर आया है। और अब इनको पगड़ी बांधने से पहले इनको ये ज्वेलरी धारण करवा देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये साली की सारी जो ज्वेलरी है ना वो हैंडमेड है, और आपको अगर देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसका मेकिंग वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर सारे के सारे ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे। और सपोज़ एकाध ज्वेलरी का नहीं भी होगा तो मैं समय रहते उसको अपलोड कर दूँगी। तो हमने पहना दिया है राखी में से बनाया हुआ चौकर हार, और अब उनको हम ये शॉर्ट वाला हार पहना देते हैं। पीछे की साइड ना हमने जो पर्ल लगाया था उसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि एडजस्ट करना बहुत ही आसान रहता है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि आपको आप ज्वेलरी सेल करते हो क्या, हमें भी चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, मुझे ये सब काम बहुत ही पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि ये सब बनाकर सेल करना स्टार्ट कर दूँ और वो सब, लेकिन अभी एज़ यूज़ुअल आपको पता ही है कि मेरा बेटा बहुत छोटा है। पर जब भी मैं इसको स्टार्ट करूँगी बनाना तब मैं ज़रूर बता दूंगी आपको। तो यहाँ यह जो माला है वो भी माला भी हैंडमेड है, और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा रानी हार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको भी हम अच्छे से पहना देंगे हमारे प्रभु जी को। प्रभु जी का श्रृंगार करने में ना ये वाला जो हाथ है ना वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर गैप बहुत ही छोटी होती है, तो थोड़ा हम एडजस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इनको पहना दिया है। और आज की वीडियो ना फ्रेंड्स बहुत ही लंबी होने वाली है क्योंकि मैं डिटेल में बता रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और ऊपर की साइड में यहाँ पर जो पूजा का वैक्स आता है वो लगा दूँगी। आज के वीडियो में ना हम जो विदाउट वीग हम कैसे इनका श्रृंगार कर सके कि ऐसा लगे कि हाँ उनको हमने वीग पहनाया है लेकिन हमने उनको वीग नहीं पहनाया, तो इस तरह से हम आज श्रृंगार करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ और यहाँ को हम पिन से मैं यहाँ पर टक कर रही हूँ। देखिए पिन हमको ना लेके सीधा नहीं लगाना है, नहीं तो हमारे कान्हा जी को लग जाएगा। तो हमें ख्याल रखना है पिन जब भी हम डालें तो पूरे का पूरा हम ध्यान रखेंगे कि हमारी कान्हा जी हैं उनको बिल्कुल भी ना चुभे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ओनली दो पिन की हेल्प से उनको ये कॉटन का कपड़ा पूरा टाइट यहाँ पर मैंने बांध दिया है। तो आप देख सकते हो मेरी पिन है ना मैंने क्रॉस में लगाई हुई है, तो पूरे की पूरी यहाँ पर कॉटन से हमारी पगड़ी बन चुकी है। और यहाँ पर मैं कर्ल्स ले रही हूँ, जो मैंने कान्हा जी का वीक बनाया हुआ था तो उसमें से ना थोड़े थोड़े कर्ल्स बच गए थे मेरे, थोड़े थोड़े पीसेस है, तो उसको मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास वीग है लेकिन कई माता जी जो हमारी है प्रभु जी है उनको पता नहीं है कि
कैसे विदाउट पीक इनका श्रृंगार कैसे करें। तो आज मैं ट्राई करूँगी कि आपको पूरे का पूरा समझा सकूँ कि विदाउट पीक भी हम कान्हा जी का अच्छे से अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो, बहुत ही छोटे छोटे हैं पीसीस, तो मैं कलर्स ले रही हूँ और इनको यहाँ पीछे पिन की हेल्प से सिर्फ कपड़े कपड़े में ही रहे उस तरह से पिन को लगाना है। और जो कॉटन का कपड़ा है ना, वो मैंने बनाते वक्त उसमें बहुत सारी ऐसी जो वेस्ट कतरन आती है हमारी कपड़ा, जब हम कान्हा जी का ड्रेस वगैरह बनाते हो तो थोड़ी कतरन वगैरह होती है, तो मैंने उसमें भर भर के बनाई हुई है। तो ये कॉटन का कपड़ा जो बेस में मैं लगाती हूँ वो कुछ ज़्यादा ही मोटा है, तो मेरी कोई भी पिन उनको जो है वो सर पर नहीं लगेगी और सिर्फ कपड़े कपड़े में ही ये रहेगी। तो कुछ इस तरह से मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ। तो आप भी, अगर आपके पास वीग नहीं है, आपके वहाँ पर वीग नहीं मिल रही है, तो आप भी अच्छे से इस तरह से पिनअप करके उनको कर्ल्स लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो गई है। आप इसको आगे पीछे कहीं पर भी आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, मैंने थोड़ी इस साइड और थोड़ी लेफ़्ट और थोड़ी राइट साइड की तरफ मैंने इनको बाल लगा दिए हैं। और ये एक चौकर नेकलेस है, ये रेडीमेड है, ये मैंने नहीं बनाया, आप देख सकते हो। इसके साथ ये दो इयररिंग्स भी आई है, तो इसको मैं एज अ कमरबंद पहना दूँगी, क्योंकि इस बार ना मुझे कमरबंद बनाने का टाइम नहीं, तो इसको ना मैं बाद में पहना दूँगी। तो यहाँ पर हम पहले पगड़ी बांध देते हैं। तो ये जो कपड़ा है वो ड्रेस की मैचिंग का ही कपड़ा है, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो एक पिन हम पीछे की साइड लगा देंगे क्रॉस करके, और इस कपड़े को हमें पगड़ी पर इस तरह से बांधना है कि ये जो अंदर वाला कपड़ा है रेड और ग्रीन कलर का, वो दिखाई ना दे। तो इसको हम कुछ इस तरह से बांध देंगे, इस तरह से, जैसे मैं आपको क्रॉस में पिन लगाकर दिखा रही हूँ वैसे ही लगानी है। अगर हम सीधी लगाएंगे तो हमारे प्रभु जी को वो लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस पिन को अच्छे से लगाकर और ये कपड़ा जो है वो सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ये जो कपड़ा है पिंक कलर का वो लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि नीचे का जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दूसरा कपड़ा मैंने ले लिया है जो है पटके की मैचिंग का। आप अगर इसके साथ कोई एक ही कलर की ड्रेस बना रहे हो अगर आप, तो इसकी जगह पर आप गोल्डन कपड़ा या फिर सिल्वर इस तरह से भी लेकर आप अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे मैं कर रही हूँ गोल 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 करके ट्विस्ट करके, यहाँ पर एक टर्बन जैसे मुझे साइड में शेप देना है, तो वो मैं यहाँ पर ट्विस्ट करके और पहले और लास्ट में वैसे दो पिन लगा रही हूँ। तो ऐसे ही आपको बनानी है। अगर इस तरह से टर्बन आप बनाओगे ना, तो सपोज़ आपको कोई डेकोरेटिव कोई आइटम, अगर आप उनकी पाग अटैचमेंट नहीं भी लगाओगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा। आप लास्ट में देखना, बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, इसमें हमारे कुछ इच्छाएं नहीं होती, प्रभु जी को जैसे भी पहनना होता है वो पहन ही लेते हैं। सॉरी गाइस, ये ना मेरे डिस्टर्बेंस के लिए आई एम सॉरी। मेरा बेटा है जो बहुत ही आवाज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छे तरह से इनकी पगड़ी बन चुकी है, ये पीछे से भी नहीं दिख रही है। अब ये जो है, एक मैंने एक एक्स्ट्रा ब्लू कलर का कपड़ा जो पजामी है उसकी मैचिंग का लिया है, और बीच में मैंने कॉटन डाली है और इसको नॉट कर दिया है धागे की हेल्प से। तो इसको भी मैं एज अ डेकोरेशन यूज़ करेंगे। तो क्या है कि कुछ पहले से डिसाइड नहीं होता है, जब भी हम कान्हा जी का श्रृंगार करने बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी आइडियाज़ आ जाती है। कुछ ऐसा नहीं होता है पहले से तय कि हाँ हम इनको इस तरह से सजाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो बारी बारी चेक करना पड़ता है। वीडियो तो क्या है कि एडिट किया हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब हम श्रृंगार करने बैठते हैं तो बहुत आराम आराम से करते हैं, और बस प्रभु जी की जैसी इच्छाएँ होती है उस तरह से आगे काम होता जाता है।
तो यहाँ पर मैं छोटी वाली जो पिन होती है उसकी हेल्प से इसको मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे कुछ बड़े बड़े पार्क अटैचमेंट लगाने थे तो आगे की साइड ना कुछ अच्छा लुक नहीं आ रहा था, तो मैंने ये लास्ट टाइम पर ही बनाया था। तो इस जो ये बाकी का जो बचा हुआ है इसको भी मैं ऐसे तैसे घुमा घुमा कर देख रही थी कि क्या हो सकता है इसका कि ये भी यूज़ में आ जाए। लेकिन ये फ्लावर बनाने के लिए बहुत छोटा कपड़ा था, तो फिर मैंने सिंपल ही उसकी छोटी छोटी प्लेट्स करके उसको साइड में इस तरह से टक कर दिया। वैसे भी ये दिखाई नहीं ही दे रहा था लास्ट में, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लग चुका है, आप देख सकते हो आगे से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रभु जी। और ये है इनकी बड़ी वाली कलंगी, ये ही बहुत ही प्यारी लग रही है पूरे के पूरे श्रृंगार में। मुझे ये कलंगी बहुत ही पसंद आई। पहले तो बनाया ना तब मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ी हो गई है मुझसे, लेकिन इनको धारण करवाने के बाद लगा कि नहीं, इनकी इच्छाएँ होगी कि ये बड़ी वाली कलंगी पहने, और क्यों ना पहने। ये जन्माष्टमी अभी उनका भी बर्थडे है तो अवश्य वो अपना श्रृंगार बहुत ही अच्छा ही करवाएंगे। तो मैं उनके दूसरी भी कलंगी लगा देती हूँ। ये कलंगी उनके जो पटका है इसके मैचिंग की है, तो ये भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और कलंगी में ना पीछे जो पतला वाला पेपर बुकरम आता है वो लगा हुआ होता है, तो वो दो पिन की हेल्प से इजीली वहाँ पर टिक जाती है। और ये त्रिस्त्री वाली कलंगी भी मैं नीचे की साइड लगा दूँगी। ये जो पजामे का कपड़ा है उसी मैचिंग की कलंगी है ये, वो इसको भी हम लगा देंगे अच्छे से। अपना पगड़ी बांधने के लिए पहले ना इसका जो बेस होता है ना वो अच्छे से अगर आप एकदम मजबूत बना दोगे ना तो फिर पगड़ी हिलेगी डुलेगी बिल्कुल भी नहीं और इजीली बंद भी जाएगी। पहले पहले तो मुझे भी नहीं आती थी, मैं भी ट्राई करती थी, बहुत टाइम लगता था, लेकिन आप अगर करोगे धीमे धीमे तो वो आ जाएगी आपको। और ये छोटू सा है एक कलंगी, तो वो भी मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से आगे से हमारा लुक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है हमारे लल्ला। किसी के नज़र ना लगे भाई। तो आइए अब इसको हम डेकोरेट करते हैं हमारी हैंडमेड ज्वेलरी से। तो आपको पता ही है कि ये सारे के सारे जो अभी पहना रहे हैं वो मैंने खुद बनाई हुई है, तो इसको भी हम अच्छे से ये लगा कर सेट करके देख लेते हैं पहले कि कहाँ वो अच्छा लगेगा। और अब इतना सारा मोटा एक लेयर हो गया है कपड़े का कि पिन इनको चुभने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है, एक भी पिन हमारे कान्हा जी के सर पर नहीं लगने वाली है। और ये है दूसरा वाला अटैचमेंट, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है लेकिन अभी एडिट नहीं किया है, तो मैं आपको बनाना ही बता दूंगी। बहुत ही अच्छा अटैचमेंट लग रहा है ये भी, क्योंकि इसके जो लटकन है ना नीचे वाले वो जो रानी हार है ना उसके मैचिंग के हैं, तो वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर इनको ये भी लगा दिया है। और ये है बहुत ही प्यारा वाला मोर पंखी पाग अटैचमेंट। इनके पीछे मैंने पिन नहीं लगाई थी, वो मैंने बोला था कि मैं लगाते समय आपको बता दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो बॉल पिन की हेल्प से यहाँ पर सीधी पिन को सिर्फ प्रेस कर दिया और दूसरी तरफ से वो निकल आई। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ अगर आपको लगानी हो और जिसका बेस अगर कागज़ का बना हुआ हो या फिर कपड़े का बना हुआ हो तो उसको आप अच्छे से यहाँ पर सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये जो ऊपर की साइड ना जो हिल डुल रही है वो इतनी प्यारी लग रही है, ऊपर फैन ऑन होता है ना तब ये पूरे हिल 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 इतना प्यारा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। और अब ये है छोटे छोटे क्यूट से लटकन, तो इसको भी हम पगड़ी पे सजाएंगे इस बॉल पिन की हेल्प से। तो इसको भी मैं इस तरह से कुछ लूप टाइप का क्रिएट करके जो बीच में जगह बनी है वहाँ पर मैं इसको लगा दूंगी। एक्चुअली ये लटकन पता नहीं मैं ऐसे ही उठा लाई थी, ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी सच कहूँ तो, लेकिन होता है ना कि प्रभु जी को जो पहनना होता है वो किसी ना किसी तरीके से हमसे मंगवा ही लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इनको सेट कर देंगे।
तो पूरे का पूरे जो लटकन है, 5 या 6 जो भी थे, वो मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिए हैं। और अब एक ये वाला अटैचमेंट है जो बहुत ही प्यारा वाला बेस्ट अटैचमेंट, ये मैंने प्रिंटेस्ट पर एक पिक देखा था तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से ट्राई करके बता दूँ आपको। ये बटरफ्लाई वाला पाग अटैचमेंट कैसा लगा प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कैसे बना है वो सीखना है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले और मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब कुछ इस तरह से हमने इनको सेट कर दिया है पगड़ी, और आइए अब हम इनको बाजू बंद धारण करवा देते हैं। ये बाजू बंद का वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना, आप एक दो बार बनाना ट्राई करना, आपको ज़रूर आ जाएगा। और इनके दूसरे जो हस्त है वहाँ पर भी हम बाजू बंद लगा देते हैं। इस वाले हाथ पर ना जगह थोड़ी कम होती है तो पहनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ठाकुर जी फिर पहन ही लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम अच्छे से इनको बाजू बंद बांध देंगे। अब इनको हम जो कानों के कुंडल है वो धारण करवा देते हैं। इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। सारी ज्वेलरी का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड ही है। तो यार अब सब लोग पूछते हैं कि आप जो है ये श्रृंगार किस तरह से लगाते हैं। तो देखिए, पूजा का वैक्स आता है, जो पूजा की सामग्री वगैरह मिलती है वहाँ पर इजीली मिल जाता है। हमारे यहाँ तो 10 रुपीज़ की डिब्बी मिलती है, तो वो हम ला देते हैं तो ईज़िली चल जाता है। और ये रीयूजेबल होता है, बारी बारी से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इनको हमने तिलक लगा दिया है, और एक डायमंड की जो चेन वगैरह थी ना उसमें से एक डायमंड निकाल दिया, और इसमें से हमने नाक के नीचे उनको छोटी वाली नथ पहना दी है। और जो ये वाली दोनों की दोनों नथें हैं वो मैं रेडीमेड लाई हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे डायमंड वगैरह होते हैं, तो ये वाली लाई हूँ। और राधिका रानी को जो मैंने पहनाई है वो मैंने खुद बनाई है। जब उनका श्रृंगार का जो वीडियो आएगा ना तब आप देख लीजिएगा, वो हैंडमेड है। तो कुछ इस तरह से है। और ये जो नेकलेस था उसकी जो दो ईयरिंग्स है उसके जो पीछे के जो आते हैं ना उसको मैंने नेल कटर की हेल्प से उस पिंस को वहाँ से कट कर दिया, ताकि हम कान्हा जी के पाग में इसको अटैच करके उनका अटैचमेंट बना सके। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे सामने ही होती है, तो सिर्फ हमको हमारा दिमाग ही लगाना है कि कौन सी चीज़ हमको कहाँ पर यूज़ करनी है। बाकी तो सारी आइडियाज़ कान्हा जी स्वयं दे देंगे, क्योंकि कान्हा जी को सजने संवरने का बहुत ही शौक है, तो हमको बता ही देंगे कि क्या उनको पहनना है। बाकी तो ये जो छोटी छोटी बिंदी है उससे मैं इनकी पत्रावली करूँगी। कान्हा जी के विग्रह पे मैं कोई भी कलर या कुछ भी यूज़ करके मैं पत्रावली नहीं करती हूँ। जब भी मुझे इच्छा होती है पत्रावली करने की तब मैं इस तरह के डायमंड की जो आती है बिंदी छोटी छोटी, तो इससे मैं उनकी पत्रावली कर देती हूँ। और पत्रावली मैं खास अवसर पर ही करती हूँ, जैसे राधाष्टमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, या फिर अच्छा तीज त्यौहार हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी का मुखमंडल बहुत ही प्यारा लग रहा है, और यहाँ पर हम इनके कड़े धारण करवा देंगे। हमारे कान्हा जी ने उनका जो एक तरफ का कान का कुंडल था वो निकाल दिया है, कोई बात नहीं, उसको हम सेट कर देते हैं पहले। और यहाँ पर इनको हम कड़े पहना देंगे, कड़े बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो वो भी आप जाके देख सकते हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वीडियो में तो पता नहीं, लेकिन मेरी आंखों के सामने थे ना, तो जब मैं इनका श्रृंगार कर रही थी बारी बारी इनको देख रही थी, मैं इतना इनको देख रही थी। जब जन्माष्टमी में भी उनका यहाँ पर हमने आसन पर उनको विराजमान किया, तब भी मैं घर में कुछ भी काम कर रही थी जाकर उनको देखाती थी, कैसे लग रहे हैं हमारे प्रभु जी, कैसे लग रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। इनकी जो फिंगर पर जो ये मैंगो शेप का लगाया है वो ऑलरेडी बाजार से लिया हुआ है, वो हैंडमेड नहीं है। और इनकी जो फिंगर रिंग है ना वो इनकी ईयर रिंग है, लेकिन मैंने इसको एज अ फिंगर रिंग पहना दिया। और अब बारी है उनकी पायल की, तो अब की बार जन्माष्टमी के लिए मेरे हस्बैंड
अंबाजी गए थे। हमारे यहाँ गुजरात में अंबाजी माँ, अंबे माँ का बहुत बड़ा धाम है, वहाँ पर से उनके लिए बहुत ही प्यारी डायमंड वाली पायल लेके आए हैं। ये बड़ों के लिए है डायमंड वाली पायल, लेकिन उसको मैं 2 बारा टर्न करके पहना दूँगी। और इसका ये आप देख सकते हो लॉक सिस्टम बहुत ही क्यूट सा है, और इसको हम यहाँ पर पहना देंगे। तो पहनाने के लिए यहाँ पर पहले मैं थोड़ा उनके पैरों पर ये पूजा वाला जो वैक्स आता है वो वहाँ पर लगा दूँगी, ताकि वहाँ पर ये पायल जो है वो टिक सके। आपको कोई भी ऐसी चीज़ पहनानी हो कि वो टिकती नहीं है, वहाँ पर नीचे आप इस तरह से पूजा वैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी के और लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में ही बेसिकली यूज़ होता है। माता रानी का जो श्रृंगार करते हैं उसमें यूज़ होता है। तो कुछ इस तरह से मैं दोनों पायल को हमारे प्यारे से कान्हा जी के चरण कमल में इस तरह से सेट कर दिया है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे प्यारे कान्हा जी के चरण। और यहाँ पर इनको पैरों की जो उंगलियाँ हैं वहाँ पर भी हम इस तरह से पहना देंगे बिछुए। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रभु श्री कान्हा जी के चरण। तो यहाँ पर अब बारी है उनके पटके की। तो इनका पटका भी इस बार तो बहुत ही अच्छा बना है, सारे के सारे बहुत ही अच्छे पेस्टल कलर है। तो इनकी मैं छोटी छोटी प्लीट्स यहाँ पर बनाकर यहाँ पर इनके कमर पर इसको टक कर दूंगी। बहुत इजीली करना है, क्योंकि इनको पिन ना चुभे इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है। और इनका जो दुपट्टा है वो मैं इनकी कमर काँच ली है ना, वहाँ पर ही टक कर दिया है। दूसरी जो साइड है वहाँ पर भी मैं इसी तरह से उनके कमर पर कमर कांचली में पिन की हेल्प से उसको टक कर दूंगी। रही बात राधा रानी के श्रृंगार की, तो मैं जल्दी से जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूंगी राधाष्टमी के पहले ही, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। उसमें ना बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल बनाई हुई है, तो आपको कुछ हेल्प मिल सके। यहाँ पर मैं पिन लगाकर कान्हा जी के पटके को सेट कर रही हूँ, ताकि आपको फ्लेयर का पता चले। तो कुछ इस तरह से इनका जो है कमर कांचली वगैरह उसका घेरा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रभु जी। सिर्फ यहाँ पर हमको इनको मुरली धारण करवाने की बाकी रह गई है। तो कुछ इस तरह से हमारे प्रभु जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये है इनकी बांसुरी, ऐसी 3 बांसुरी है। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जब नाथद्वारा गए थे तो वहाँ से लाए थे। मेरी कान्हा जी की सारी बांसुरियाँ नाथद्वारा से ही आती है, और वो एज अ गिफ्ट उन्होंने दी थी। बहुत ही प्यारी बांसुरी है। और आइए अब हम हमारे प्रभु जी को इनका दर्शन करवा देते हैं आईने में। हमारे प्रभु जी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप इनका मुखमंडल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। राधा जी का वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से हमारे कान्हा जी ने उनका श्रृंगार करवाया है जन्मदिन पर, बहुत ही प्यारे हैं। आप देख सकते हैं उनके जो पगड़ी है, उनकी जो ज्वेलरी है, एकदम मैचिंग की है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक बस इतना ही। आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे